के अभी हम यहाँ निकले हैं आपको घर से वार्ड के लिए मैं निकला हूँ अभी। नमस्ते, अरे वार्ड के लिए मैं निकला हूँ। देखिए, सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और जय हिंद। मैं अभी सुबह निकला हूँ अपने वार्ड के लिए और वार्ड में काम करने के लिए मैं निकला हूँ और साथ में मुझे सूरज भैया से मुलाकात हो गई है। अभी नमस्ते पाती हो गया है और फिर मैं आगे जा रहा हूँ। आज ये वार्ड में पोल लगाने का बात चल रहा है, पोल लगा हुआ है। देखिए, हमारे किताबुद्दीन नाना भी आ गए। ये हमारे ना क्या कहा जाए इनको, क्या किताबुद्दीन नाना समझिए। हमें बीच बीच में इलेक्शन में बहुत सारा राय मशवरा देते थे, आज उसी राय मशवरा की वजह से आज हम थोड़ा कामयाब है। बहुत सारा जगह पर उन्होंने सही जगह राय मशवरा दिया, सूरज भैया भी और किताबुद्दीन नाना भी। बोले किताबुद्दीन नाना, क्या हाल है? ठीक है? हाँ ठीक है। अरे अभी जो वार्ड में जा रहे हैं काम वाम कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन मसूआ ठीक कर रहे हैं काम? हाँ ठीक है। हॉस्पिटल के लिए जो किए, सदर हॉस्पिटल के लिए वो भी सही से। हाँ, वो जरूरी है ना, यहाँ पर एकदम जरूरी है, यहाँ जोगबनी में एकदम जरूरी है हॉस्पिटल में। हाँ, एक कबाड़ा की तरह पड़ा हुआ है हॉस्पिटल। और क्या है, कुछ सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। क्या है जो कि आया और किया सब, यही बात है। अपना सभी को दिया थोड़ा देर, उसके बाद चला गया। दवाई उवाई थोड़ा बाद दिया और उसके बाद जो है चला गया। वाला काम जो है ना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। और हम समाज के, अब कोई तरह का बात अगर होता है तो फारबिसगंज दौड़िए, फारबिसगंज दौड़िए, यही सब हो रहा है यहाँ। बहुत कठिनाई है जोगबनी में इस मामले में। हम बोल रहे हैं कि ये जो अपना हॉस्पिटल है, इसका काम जितना भी जल्द हो सके होना चाहिए। और इसके लिए देखिए, मैंने हमारे माननीय विधायक थे मंचल केसरी जी को भी मैंने सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर स्टाफ नहीं, कुछ नहीं। एक एक नर्स रहता है, दो एक नर्स है और दो स्टाफ है, जो गार्ड एक और कोई है। एक्चुअल इसका वजह क्या है कि अभी जो हमारा जो नगर परिषद का जो हॉस्पिटल है ना, वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उस केंद्र के आधार पे जितना वो कैपेसिटी होना जितना है, लेकिन इस बार जो डॉक्टर का जरूरत है, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो नियम कह रहा है कि ये जनसंख्या के आधार, जो हमारी जनसंख्या से पहले था आपका यानी कि 30,000 से नीचे था, अभी हम लोग जनसंख्या 3 से ऊपर है, 30,000 से ऊपर है, 46,000 तो उस हिसाब से इस बार पहली परिसीमन हुआ है। उस हिसाब से मैंने उसका पहल किया है, मैंने चिट्ठी दिया है, विधानसभा सत्र में इसको उठाया भी गया है, वहाँ से हम लोग को चिट्ठी भी मिला है। ये प्रोसेस में 100% आप लोग आशीर्वाद से प्रोसेस में है और आप लोग आशीर्वाद रहा तो 2 से 3 महीने के अंदर ये 24 आवर सेवा चालू हो जाएगी। ये होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। आप लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और समाज के सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है इनका साथ दिया जाए और इनके साथ खड़े रहा जाए। एक्चुअल मेरे वार्ड में भैया हम ही जान रहे, मेरे वार्ड में है, लेकिन मेरे वार्ड में है, लेकिन ये 2800 वार्ड का हॉस्पिटल है। लेकिन हाँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे पहल करने का, श्री गणेश करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मौका तब मिलेगा जब आप लोग का सहयोग रहेगा। इसके लिए हम लोग सहयोग तो हमेशा बोल रहे हैं कि वहाँ परमानेंट डॉक्टर, रेसिडेंसी डॉक्टर का जरूरत है, जिस रूप में 24 घंटा वहाँ सर्विस हो तो इस इलाके के लोगों को सुविधा होगा, सुविधा होगा। दौड़ के जाता है विराटनगर, दौड़ के जाता है फारबिसगंज। हमारे पास तो नहीं है विकल्प ना, हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प हो जाएगा तो हम क्यों फारबिसगंज और विराटनगर जाएंगे? हमको मालूम है कि हमारे यहाँ डॉक्टर है तो हम पहले डॉक्टर से सलाह लेंगे ना, पहले इनके पास जाएंगे ना। ये होना चाहिए सबसे बड़ी पहल। आज हमको कुछ भी, कोई भी हादसा हो जाता है या सड़क दुर्घटना हो या कोई भी एनीबॉडी, तो हम लोग को जानकारी आपको दे दें। अभी सेकेंड बैठक हुआ था बोर्ड मीटिंग में, हम लोग गए थे, वार्ड पार्षद लोग का, चेयरमैन लोग का मीटिंग था। उस बोर्ड मीटिंग में एक एम्बुलेंस के लिए कहा गया था जो नगर परिषद में, नगर पालिका की तरफ से, लेकिन मैंने उसमें जोर देके कहा कि यहाँ पे 2 एम्बुलेंस आई है, क्योंकि ये नगर परिषद बड़ा हो गया, यहाँ से जोगबनी से लेकर बथनाहा तक चला गया है। एक एम्बुलेंस से यहाँ से नहीं होगा, नगर परिषद में 2 एम्बुलेंस की जरूरत है। तो हमारे ख्याल से चेयरमैन साहब अभी VC साहब ने कहा है, अब सही वार्ड पार्षद ने सहयोग करके 2 एम्बुलेंस का परिषद जो नगर परिषद में कंटिन्यू रहे, कभी किसी को जरूरत पड़ सके। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता है नवीन नगर परिषद का, तो हमारे ख्याल से हम लोग पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा, टोटल जिम्मेदारी उस पर रहेगी 24 आवर्स। तो हम तो कहेंगे जो जड़ है पहले उसको चालू किया जाए। अभी मैंने न्यूज़ देखा था कुछ दिन पहले, उस न्यूज़ में दिया गया था आपको, बिहार सरकार
300 समथिंग कुछ मेडिसिन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन अभी 200 मेडिसिन को फिर बढ़ा दिया गया, समझिए 500 मेडिसिन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दिया जा रहा है, लेकिन जनता को हमको लगता है एक ही मेडिसिन फ्री में नहीं मिलता होगा। नहीं नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता कभी कभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है, पर हॉस्पिटल में है औपचारिक रूप से कोई कुछ जनता जाता है, जो वहां जाता है वो नर्स ही वो उसको देता है, लेकिन लेकिन एक तो उसकी वो रास्ता नहीं है उस एरिया के जाने के लिए, नहीं नहीं उस रोड नहीं है, असुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो मेडिसिन उपलब्ध भी रहेगा तो उसको लिखने वाला डॉक्टर चाहिए ना, डॉक्टर चाहिए जी, और जब एमबीबीएस नहीं बैठते हैं जब वहाँ बैठते बैठते नहीं है, एमबीबीएस नहीं है वो, वो, वो होता क्या है यहाँ से जब कोई पेशेंट वहाँ जाता है तो वो नर्स और वही उसको दो तीन मेडिसिन देता है, 5 रुपया उसका एंट्री फी है, 5 रुपया एंट्री फी देके जेट हो लेकिन आपने सही बोला है कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होने के वजह से वो डॉक्टर मेडिसिन का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, लैब ऐसे पड़ा हुआ है, मेडिसिन दवा ऐसे पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, वहाँ प्रसूति गृह है और सब कुछ है जी हाँ। और दूसरी बात है क्या है कि वहाँ यातायात की सुविधा की वजह से दिक्कत है, मैंने अभी जो पथ मंत्री है डॉक्टर मैंने जो एक आवेदन में दिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिया है, हमारे मंचन जी को भी मैंने आवेदन दिया, माननीय विधायक जी को भी, कि हॉस्पिटल का रोड हम लोग को हाई स्कूल होते हुए नेताजी चौक निकाला जाए, हाँ। ताकि यहाँ के जो इतने बहुत जनसंख्यक एरिया जो है वो वहाँ से वंचित हो जाता है हॉस्पिटल से, क्योंकि वो जो भी रोड बना हुआ है 2 किलोमीटर जाके जाना पड़ता वो है, वो बनने में तो टाइम लगेगा हमको, देखा लेकिन सबसे पहले डॉक्टर का 24 घंटा, हाँ जी सही बोले, लेकिन मेरा कहने मतलब है कि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हम दोनों प्रोसेस तो चलिए मैं इसी बात में निकलता हूँ, वार्ड में थोड़ा काम है, एक जगह पोल मुझे लगाना है, लगवाना है, मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ, चलिए मामा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, लगे रहो अच्छा से लगे रहो। देखिए हमारे पंकज भाई आ गए हैं, हमारे सरकारी मिस्त्री नगर परिषद के पंकज भाई आ गए, आज हम लोग पोल के लिए आए हुए हैं, सरकारी पोल के लिए गराने के लिए आए हुए हैं, इस गली में क्या एक पोल गड़े माता ने भूखा अरे तो कैसे तो माता भूख वाला जोर लाइज कत्ते पैसा हो। देखिए ये हमारे वार्ड का ये जुड़वा बच्चा है, आप देख सकते हैं ये प्यारा बच्चा है, और इसके एक का नाम है कृतिका कुमारी, एक का है अर्ध्या कुमारी, ये देखिए ये हमारे आनंद तत्मा जी का लड़की है, ये देखिए दोनों जुड़वा है आप देख सकते हैं, आ जाओ ये देखिए दोनों एक ड्रेस पहनी हुई है, आ जाओ देखिए इधर इधर कृतिका इधर आ, देखिए ये दोनों हाय कर दो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय करो, ऐसे हाय करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करो 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 सब देखो सब देख रहा है, वेरी गुड, लाइक आप लोग लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अंकल का वीडियो को, ठीक है, वेरी गुड।